ओके ओके सर, एम आई ऑडिबल? यस गायत्री, यू आर ऑडिबल। ऑलराइट। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुडेज सेशन ऑन अंडरस्टैंडिंग रूरल लाइवलीहुड एंड डिसेबिलिटी। द नेम ऑफ टुडेज रिसोर्स पर्सन इज मिस्टर सुमित परीक्षित। Mr. Sumit is the program officer for the NCPEDP APPI Youth Fellowship on Disability, wherein he is involved in the engagement and coordination aspect of the fellowship, as well as documentation of the progress of the fellows. With an experience of over 3 years, Mr. Sumit has experience in implementing livelihood programs and project management strategies in the rural hinterlands of Madhya Pradesh, Orissa, Chhattisgarh, Maharashtra, and West Bengal. Before NCPEDP, he had worked at Pradhan Dhriti, the courage within TIS and Pragya. Mr. Sumit has an MBA in rural management from Xavier Institute of Management and Bhubaneswar. With this, I would now like to invite Sir to take the stage. Thank you so much, Gayatri. सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सो गायत्री हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड मायसेल्फ, बट फॉर माय फ्रेंड्स हु हैव विजुअल इम्पेयरमेंट, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस देम टू माय विजुअल अपीयरेंस। सो आई एम अ गाय इन माय 30s विद अ लीन फिगर एंड रिसीडिंग हेयर लाइंस, एंड टुडे आई एम वेयरिंग अ ब्लू शर्ट विद ब्लैक पैंट। So, before we begin this session, I would like to understand from few as to what you expect out of the session. Although you all have mentioned that you expect to understand various forms of disability, you want to understand the realm of disability, but in terms of being specific to the session, I would like to understand what do you specifically expect out of this session. आप सभी ने ये चर्चा पहले की है कि आप अलग अलग तरह की विकलांगता के बारे में समझना चाहते हैं, उनके परिवेश को समझना चाहते हैं, उस संदर्भ को समझना चाहते हैं। हालांकि इस सत्र से जुड़ी अगर बात करें तो आप इससे क्या जानना चाहते हैं, जो हमारा आज का सत्र है लाइवलीहुड एंड डिसेबिलिटी, आजीविका और विकलांगता, तो इस सत्र से जुड़ी आप क्या बातों को समझना चाहते हैं। मैं एक दो बातों को समझने की कोशिश करूंगा एंड देन वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। ड्यूरिंग दिस सेशन देयर आर फ्यू गाइडलाइंस दैट आई वुड एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू फॉलो। यू मस्ट कीप योर माइक ऑन म्यूट थ्रू आउट द सेशन अंटिल आस्क्ड to respond, or at the end of session where you can ask for queries, or during the session when I'll be asking you all to present forth your queries before moving on to the next topic. आप इस सत्र के दौरान माइक को बंद रखें। सत्र के बीच में जब पूछा जाए कि आपकी अगर कोई परेशानी है या किसी विषय पर आप कुछ बातें को समझना फिर से चाहते हैं, तब अनम्यूट कर ले, या सत्र के अंत में जिस समय आपको जरूरत लगे कि एक साथ चीजें पूछनी है समझनी है, तब उस समय करें। माय सेकंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू वुड बी टू यूज द चैट बॉक्स टू मिनिमम, कम से कम चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें, अदरवाइज द स्क्रीन रीडर इज गोइंग टू डिस्टर्ब आवर फ्रेंड विद विजुअल इम्पेयरमेंट। इस सत्र में हमारे एक दोस्त हैं, उनको तकलीफ होगी अगर आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो निरंतर उनका स्क्रीन रीडर बोलते रहेगा और उनको चीजों को समझने और सुनने में परेशानी होगी। सो दैट इज द बेसिक सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू ऑल। सो वील बिगिन विथ You raising the expectations out of this session. आप जो भी जानना चाहते हैं इस सत्र के दौरान,
एक दो बातें सामने रखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं. सो एनी वन ऑफ यू कैन रिस्पॉन्ड. अगर कुछ ये भी नहीं मालूम है कि इस सत्र में क्या जानना है नहीं जानना है, या यह टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, इन केस यू आर नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट, देन बी फ्रैंक अबाउट दैट एज वेल. हेलो, और सुना रहा है क्या तू? Am I audible? Hello. Yes, you are audible. Please. My expectations of this session are. Zoomies. MCPED. First of all, screen sharing. First, you share. Double tap the eye toolbar. First of all, we will want to know a real situation of disability in rural settings. What are the opportunities? What are the livelihood opportunities for the person with disabilities in rural Live settings? Transcription. Closed okay. Has been enabled. Who can see this transcript? What are button. The posts and vacancies are identified for the other and different type of disabilities in government sectors? And mm-hmm. what is the real response based on the your views and based on the studies? I will want to know. And okay. I want to know especially what are the real data of employment of persons with disabilities. Thank you. ठीक, थैंक यू. तो आप जानना चाहते हैं कि जो लाइवलीहुड आजीविका का विषय है वह किस तरह से हमारे देश में काम करता है, उससे जुड़ी क्या स्कीम है, योजनाएं हैं सरकार की. इसके अलावा आप यह भी जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि उससे जुड़ी हमारे पास जानकारी क्या है. What all do we have in terms of information or in terms of data and how this thing works? So as far as this session goes, I'll be looking at providing you a basic understanding of how the models of livelihood work and what are the constraints related to disability in the entire realm of livelihood. Livelihood के संदर्भ में जो भी जरूरतें हैं उनको हम उजागर करेंगे इस सेशन में, और यह समझेंगे कि आजीविका की पूरी जो एक समझ लें कि विषय है, वह विषय किस तरह से काम करती है, उससे जुड़ी योजनाएं क्या हैं, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे. सो आई विल बिगिन द सेशन एंड नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द सेशन वेयर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रूरल. हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हम ग्रामीण बोलते हैं रूरल, वो है क्या. सो लुकिंग एट द रिस्पॉन्सेज दैट यू हैव शेयर्ड, द ग्रुप लीडर्स हैव शेयर्ड, मेजॉरिटी हैव द ओपिनियन दैट इट्स अ लोकेशन वेयर यू एक्सपीरियंस पॉवर्टी, वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट वेल डेवलप्ड, वेयर देयर इज लैक ऑफ रिसोर्सेज. इस तरह की जो बातें हैं कि भाई वहां दिक्कत है, परेशानी है, गरीबी है, इस तरह की बातों को अपने सामने रखा है जो आपने मेरे साथ शेयर किया है अपना अलग अलग ग्रुप लीडर के द्वारा रिस्पांस. ठीक है, अब मेरा सवाल आप सभी से है और कोई एक इसके लिए रिस्पॉन्ड करें, बिकॉज थ्रू आउट द सेशन आई विल बी रेजिंग क्वेश्चंस एंड आई विल बी एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर दोज क्वेश्चंस फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स क्लियरली. तो यहाँ पे कोशिश यही रहेगी कि पूरे सत्र के दौरान मैं सवाल पूछ पूछ के आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा. जहां मुझे लगेगा कि आपको जानकारी नहीं है वहां मैं निश्चित तौर पर पहले जानकारी दूंगा, तब सवाल करूंगा.
पर फिलहाल के लिए अभी मेरा पहला सवाल, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, और कोई भी एक जवाब दे सकता है, एनीवन कैन रिस्पॉन्ड, इज इफ अ लोकेशन हैज टू बी डिफाइंड रूरल बेस्ड ऑन लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉवर्टी, चीजों के नहीं होने से, गरीबी होने से अगर हम रूरल को डिफाइन करते हैं, तो मेरा सवाल आप सभी से यह है कि शहरों में फिर जो स्लम हुए वो क्या वह गांव है या वह शहर है? सो इन केस ऑफ सिटीज, बिग सिटीज, द स्लम्स और द एरियाज विच आर यूजुअली फाउंड इन द आउटग्रोथ्स ऑफ द सिटी, एक बड़े शहर के बाहरी हिस्सों में जो छोटी जमीनी हकीकत होती है या जो जगह होती है, वहां क्या वह रूरल है, क्या उसको हम ग्रामीण कहेंगे? मेरा सवाल आप सभी से यह है, कैन वी कंसिडर स्लम्स इन द सिटीज एज अ रूरल एरिया? नाउ आई विल अगेन रिक्वेस्ट पूजा टू नॉट यूज चैट बॉक्स, इंस्टेड यूज माइक टू रिस्पॉन्ड, अदरवाइज इट विल डिस्टर्ब आवर फ्रेंड विथ विजुअल इम्पेयरमेंट. तो जिसको भी रिस्पॉन्स देना है आप प्लीज वो कीजिए, प्लेन बताइए, तकनीकी जानकारी में अभी मत जाइए, गूगल वाले जो परिभाषा है उस पे अभी मत लाइए. सो डोंट लुक इनटू गूगल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू द एंटायर कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज, बिकॉज वन एंड हाफ आवर इज नॉट एनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड लाइवलीहुड इन इट्स एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ. पूरी तरीके से आप नहीं समझ सकते हैं डेढ़ घंटे में लाइवलीहुड, तो इसलिए जरूरी यह है कि मुख्य आधार रूप पर जो जानकारी है वह आपको सही तरीके से समझ में आए. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू डू नॉट लुक इन टू गूगल एंड एवरीथिंग. इफ यू डोंट नो, एक्सेप्ट दैट आई एम हियर इन द सेशन विथ अ ब्लैंक स्लेट. There is nothing wrong with that. आप खाली कागज लेकर आए हैं इस पूरे सत्र में, इस बात को आप खुद के लिए मान लें, तब सीखने में आसानी होती है ना? तो what is the answer? Do you think that a slum in a city is a rural area? Anyone? Sir, what I feel, Sir Shubham Singh's side. Yes. Sir, what I feel ki slums in the cities are not a rural area, and rural area has nothing to do with the poverty. It's quite possible that some rural areas have more per capita income than you can say ki city per area in a urban you can say landscape. So, thank you so much for bringing this up. Let's be clear of the fact that defining rural has nothing to do with poverty. ठीक है, अब poverty भी जब गरीबी की बात करते हैं, so there is absolute poverty, there is relative poverty. मतलब एक अमीर है तो दूसरा गरीब है. This is relative to one another. ठीक है, और absolute हो गया कि एक तय पैमाना है जिसके नीचे, उस स्तर से नीचे जो लोग हैं वह गरीब माने ही जाएंगे. जैसे पर कैपिटा इनकम, लाइक शुभम टॉक्ड अबाउट पर कैपिटा इनकम. सो नाउ वी फॉलो अ पर कैपिटा इनकम, वेयर इफ अ पर्सन हैज अ इनकम, मंथली इनकम ऑफ अराउंड 1400 अमाउंट, देन ही इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड पुअर इफ ही अर्न्स समथिंग बिलो देन दैट. Similarly, for rural areas, it's around 900 rupees. ठीक है? Now, I'm not getting into the definition of rural. What I'm trying to explain is, poverty is, can be absolute, can be relative. ठीक है? यह शहरों में भी हो सकता है, यह गांवों में भी हो सकता है. Similarly, lack of infrastructure can as well exist in a city, can also exist in a rural area. ठीक है? उदाहरण के तौर पे, इन अ प्लेस लाइक दिल्ली यू वोंट फाइंड
public amenities like public washrooms in every locality when compared to South Indian cities. That doesn't mean that either of the two is a rural area or is a impoverished area. ठीक है, ये चीज क्लियर रखती है बात. तो रूरल फिर है क्या? What is rural? Now, amazing thing about defining rural is that even the government departments define it in a varying manner. जो सरकारी विभाग हैं वो भी इसको अलग अलग तरीके से परिभाषा देते हैं. And the private companies have their own definition of what is going to be considered as rural. इसी तरह से अगर आप private companies की परिभाषा को देखें तो वहां पे अलग अलग परिभाषाएं आपके सामने आएंगी. And I am not going to get into who defines rural in what manner, especially when we talk about private companies, but we will look into how the government departments define it and what is the common point which is found across these definitions in several departments. कौन से ऐसे बातें हैं जो कि सभी departments में common है? तो पहला, इसको population density के हिसाब से define किया जाता है. So first, there is a requirement of density based on which we defined a location as rural or as a village. And the density has to be less than 400 square persons per square kilometer. 400 log per square kilometer se agar kam density hai, to us area ko hum rural bolenge. And iske alawa ek aur hai clause, and wo and yeh hai that 75%, that is 2/3 of the population, do tihai jo aapka लोगों की संख्या है वह जुड़ी होनी चाहिए एग्रीकल्चर से, खेती और इससे जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज होती हैं इससे अगर जुड़े हुए हैं. इफ दे 75% ऑफ मेल्स वर्किंग पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज देन ओनली दैट एरिया विल बी कंसिडर्ड एज रूरल. तो यहाँ पे रूरल के दो मुख्य पैमाने हैं, एक पॉपुलेशन डेंसिटी 400 लोगों से कम प्रति किलोमीटर, दूसरा कि 2/3 जो मेल का वर्किंग पॉपुलेशन है वह कृषि उद्योग से जुड़ा होना चाहिए. 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी इन्वॉल्व्ड विद एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रूरल. इस बात में क्लैरिटी है? कहीं कोई डाउट? Is there anything that you want to ask about it? I think everyone is clear on the definition. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So why is the perspective of rural important when we talk about livelihood or when we talk about disability? जो ग्रामीण संदर्भ है या विकलांगता की बात करें या आजीविका की बात करें उसके लिए जरूरी क्यों है, आपको क्यों लगता है? Again, I'll expect just one response from anyone. कोई भी एक बताएं कि यह जरूरी क्यों है? Because the majority of persons with disability reside in rural areas. Excellent. So majority of our population, be it disabled or non-disabled, reside in the rural parts of the India. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैक्रोस्कोपिक बात करें कि मेजॉरिटी तो हमारे देश का जो मुख्य संख्या है, लोगों की संख्या है, वह तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. अब क्योंकि ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो जो डिसेबल्ड लोग भी हैं वह भी ग्रामीण क्षेत्र में है. ठीक है, इसलिए यह परिवेश जरूरी हो जाता है. नाउ लेट्स लुक इन टू वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम सेंस ऑफ लाइवलीहुड. आजीविका के आधार से देखें तो यह देखना क्यों जरूरी है, रूरल परिवेश को देखना, रूरल ग्रामीण संदर्भ को समझना क्यों जरूरी है. इसके लिए अगेन आई विल गो बैक टू द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एंड माय क्वेश्चन इज
whether poverty leads to disability or disability leads to poverty? If anyone can answer that. Kya garibi se viklangta hoti hai ya viklangta se garibi hoti hai? क्योंकि गरीबी को तो हमने डिफाइन किया है इनकम से. वी हैव डिफाइंड पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम. ठीक है, तो पॉवर्टी का सेंस तो लाइवलीहुड के लिए जरूरी है. लेकिन मेरा सवाल यह है कि उसको समझने के लिए कि क्या पॉवर्टी से डिसेबिलिटी होता है या डिसेबिलिटी से पॉवर्टी. सो वेदर disability is a result of poverty or poverty is a result of disability? Anyone? Sir, both act as cause and consequence. Can you elaborate that with an example? Because of poverty, there is lack of resources which might increase the disabling conditions. And because of disability also, because there is lack of accessibility and opportunity, therefore the cycle of poverty goes on. So they are both a cause and effect for each other. That's what I think. Yeah. And can you highlight one example that was shared earlier to reiterate the same? I can't think of any example right now. Sorry. हाँ, देखिए आपने resources की बात की. आपने case देखा होगा कि case one में when we look into case one, we put forth an example of Jadugoda mines in Jharkhand. The excessive exploitation of uranium resources in that location is leading to disability, right? Right. है ना? और उसके बाद जो आपने बोला कि इंटरसेक्शनल रिलेशनशिप है, फिर एक विकलांग इंसान को आगे अपनी आजीविका चलाने के लिए फिर से कंस्ट्रेंट्स है रिसोर्सेज का, एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस टू एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो देर आर वेरियस बैरियर्स. सो इट्स इंटरसेक्शनल एंड इट वर्क्स बोथ वेज. आर वी क्लियर ऑन दैट? यहां तक कोई परेशानी? यहां तक समझने में? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल इज इंपॉर्टेंट. क्लियर है? शुड वी प्रोसीड अहेड? यस सर, क्लियर. हाँ हाँ, ठीक है. There is an interrelationship, and that's why the context of rural is important. So it's important to look into livelihood. Now, what is livelihood? So isme alag alag opinion aaye. Kisi ne bola skill development. Someone said that it's employment. किसी ने बोला एंटरप्राइज डेवलपमेंट. ठीक है, बट एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट लाइवलीहुड, द रियल कंटेन्स ऑल दीज थिंग्स एंड अदर थिंग्स एज वेल. जब हम आजीविका की बात करते हैं तो रोजगार है ना, कौशल विकास, एंटरप्राइज, सभी चीजें आएंगी. इसके अलावा और भी चीजें आएंगी. वो और चीजें क्या हैं वो धीरे धीरे हम समझते हैं. तो आप इसका भी डेफिनेशन अलग अलग जगह से देखें तो आपको एक चीज क्लियर आएगा कि बात यहाँ पे हो रही है समझने की, द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस विच हैज बीन एलाबोरेटेड थ्रू वेरियस डेफिनेशंस लाइक असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन वुड डिस्क्राइब इट एज the various activities and resources that allow people to live, again relating to subsistence. ठीक है, उसी तरह से हम देखें कि food and agriculture organization, तो वो बोलेगा कि भाई जो कौशल है
जो हमारे पास एसेट हैं या जो प्रक्रियाएं हैं जिसके जरिए हम अपनी आजीविका को चला सकते हैं, यह लाइवलीहुड है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइवलीहुड, इट इज सर्टेनली अबाउट स्किल डेवलपमेंट, इट इज सर्टेनली अबाउट एम्प्लॉयमेंट, इट इज सर्टेनली ऑल्सो अबाउट एंटरप्राइज डेवलपमेंट, बट ओनली व्हेन वी कंसिडर ऑल द फैक्टर्स विच इफेक्ट दैट डेवलपमेंट. मतलब जब हम लाइवलीहुड की बात करते हैं तो उसको टुकड़ों में नहीं देख सकते हैं, ये सभी चीजें होंगी, कौशल विकास भी होगा, रोजगार भी होगा, है ना, उद्यम का भी विकास होगा, लेकिन इन सब को करने के लिए जो फैक्टर्स हैं जो इनको इम्पैक्ट करते हैं उनको भी देखा जाता है जब हम लाइवलीहुड की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी से दैट रीजन लाइक जादूगोड़ा हैज विटनेस्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, हैज विटनेस्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, जो जमीन के नीचे पानी है उसमें यूरेनियम मिक्स हो रहा है, वो पल्यूट हो गया है, प्रदूषित हो चुका है, तो वहां पे अगर हम कुछ ऐसे आयाम की बात करें जो कि पानी से जुड़े हुए हैं तो वो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे पानी का असर हमको देखना जरूरी है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू लुक इन टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल ऑन एक्टिविटीज विच कैनॉट बी परस्यूड इन द रीजन. सो वेन वी टॉक अबाउट लाइवलीहुड we not only look at such activities but also look at the factors which affect these activities. clear hai? jab hum aajivika ki baat karenge to hum kabhi bhi aisi baat nahi karenge ki ye to rozgar ki baat hai, ye to kaushal vikas ki baat hai, ye to udyam vikas ki baat hai, ye in sab ke sath sath un cheezon ki bhi baat hai jo un par asar dalti hai. clear hai? आगे बढ़े हम. कैन वी मूव अहेड इन द सेशन और एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? आई थिंक वी कैन मूव अहेड सर. ओके ग्रेट. सो आई एम नॉट रियली श्योर हाउ मेनी ऑफ यू वेंट थ्रू द केस स्टडीज, तो भी गए होंगे उनको चीजें समझ में आएंगी. फॉर दोज हु हैव नॉट गॉन थ्रू द केस स्टडी आई वुड नॉट लाइक टू स्पेयर टाइम ऑन दैट, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू लुक इनटू द एंटायर रियल्म ऑफ लाइवलीहुड और इवन हैव अ कर्सरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. तो जिन्होंने पढ़ लिया है उनको चीजें आगे ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी बिकॉज आई विल बी यूजिंग दोज एग्जाम्पल्स. जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं अलग से अभी इसका विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा समय सीमा को देखते हुए. तो अब स्टूडेंट्स को एक वहां पे सपोर्ट करना था, एक तो जादूगोड़ा में, एक फिरोजाबाद में, और इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं. क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसकी जानकारी पहले जरूरी है स्टूडेंट्स को. सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर केएमसी स्टूडेंट्स टू फर्स्ट अंडरस्टैंड what all can be done, what all can be dealt with in the region, and then only can they devise a plan. They know the problem. ek problem unko malum hai, jaise case study 1 ki baat kar rahe hain to unko malum hai ki pehla intervention kya karna hai ki jo bhi wahan pe viklang log hain unko pension mile. so first intervention is that we look into a social cause where we have to provide pension to the persons with a disability in the region. theek hai. the second problem that they have to deal with is to start a business, agriculture business of growing mushroom, because mushroom is not grown on the fields where you have to deal with the groundwater which is already polluted. jo wahan pradushit pani hai usse judi hui mushroom ki upaj nahi hai, to isliye tay ye hua hai ki ek to pension की समस्या को सुलझाएंगे, दूसरा तय ये हुआ है कि वहां मशरूम की खेती शुरू करवाएंगे. केस टू ये है कि फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है, वहां पे जो स्थिति है, काम करने की स्थिति है, वहां पे चाइल्ड लेबर है ना, बच्चों को
visual impairment ho raha hai. So that's a location where due to extreme working conditions and violation of human rights, it's leading to visual impairments among children. तो यहाँ पे आपको ये करना है कि भाई जो भी आर्टिसंस हैं, जो भी वहाँ के कलाकार हैं, उन सभी लोगों को लेके एक बिजनेस शुरू करना है जहाँ पे वह अपना फैक्ट्री स्थापित कर सकें, जिसमें सारे बूढ़े काम कर सकें, ताकि बच्चों का जो अभी प्राइवेट बड़े लोगों का इंडस्ट्री है वहाँ पे उनको जाने की जरूरत ना पड़े, और यूथ फिर आगे बढ़ के आए, उन्होंने जो एक काम शुरू किया है उसको आगे बढ़ाए. So that they set up a factory, own it, create right mechanisms and right working environment, and they ensure that the children of their own community do not work in those factories. Instead, the next generation, the youth, takes it further. ठीक है? तो ये तो दो समस्याएं हैं. अब ये कैसे होगा, नहीं होगा, इसको समझने से पहले थोड़ा हम समझें कि किस किस तरह के आजीविका के विकास के जो योजनाएं हैं या उसका पूरा संदर्भ है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं. सो बिफोर वी गेट इनटू फाइंडिंग सॉल्यूशंस, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द एंटायर रियल्म ऑफ लाइवलीहुड. ठीक है, तो ये फॉर्मेट पहला क्या काम करता है, इंडिविजुअल पहला, जिसमें एम्प्लॉयमेंट गारंटी देते हैं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डेल्व इनटू इट. पहला फॉर्मेट है जिसमें आपको रोजगार भत्ता गारंटी किया जाता है, और ये ऐसा मुद्दा है जिसमें मैं नहीं घुसूंगा इसमें, क्योंकि इस पे काम उतना नहीं होता है जितना कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे होता है, और उसको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे. नाउ द सेकंड इज स्किल डेवलपमेंट, ये भी इंडिविजुअल का होता है. सेकेंड फॉर्मेट इज स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास. यहाँ पे भी एक एक लोगों को हम कौशल देते हैं, और उस कौशल को वह इस्तेमाल करके कहीं कार्यरत हो सकते हैं. सो यूजिंग दो स्किल्स दे कैन गेट एम्प्लॉयमेंट. सो वी मेक आर एफर्ट्स इन प्लेसिंग देम इनटू वेरियस फ्लोर लेवल वर्क्स. अब फ्लोर लेवल वर्क क्या हुआ कि मान लीजिए जैसे मारुति का सर्विस सेंटर है, तो सर्विस सेंटर में कोई फ्लोर क्लीनिंग करेगा, कोई मॉपिंग करेगा, कोई जो आ रहे हैं ग्राहक उनको फ्रंट डेस्क पे देखेगा. तो अलग अलग जॉब रोल्स हैं, वो उन सब ही जॉब रोल्स के लिए ट्रेन करें, वी लुक इनटू इट. ठीक है, एंड द थर्ड इज वेयर वी लुक इनटू अ ग्रुप कमिंग टुगेदर, ओन अ बिजनेस एंड टेक इट फर्दर. हम एक समूह को संगठित करते हैं, वह समूह उस पूरे बिजनेस की, पूरे उद्यम की ओनरशिप को रखता है, और उसको फिर आगे धीरे धीरे बढ़ाता है. अब ये तीनों मॉडल जो हैं, जिस तरह से बाकी योजनाएं चलती हैं उसी तरह से या तो गवर्नमेंट के द्वारा की जा सकती हैं, पूरी तरह से गवर्नमेंट से सपोर्ट की जा सकती हैं, या तो पूरी तरह से फिर ये एनजीओ या किसी कंपनी के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से सपोर्ट की हुई हो सकती है, या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो सकता है. इसकी जानकारी में हम अभी नहीं घुसेंगे. सो वी विल नॉट लुक इनटू हाउ दीज स्कीम्स आर सपोर्टेड. दे कैन बी सपोर्टेड एंटायरली बाय गवर्नमेंट, दे कैन बी सपोर्टेड बाय एनजीओस, और थ्रू फंड्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिमिलर फाउंडेशंस, और वी कैन हैव अ मैकेनिज्म लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू सपोर्ट सच इनिशिएटिव्स. ठीक है, एक चीज यहाँ पे क्लियर रखिएगा. So whenever I am stressing or repeating something, stay clear on that. Please make note of that, because those are going to be asked during your final evaluation. तो आपको मैं hint भी दे रहा हूँ कि जिस भी चीज को मैं दोहरा रहा हूँ या उस पर ज्यादा मैं ठहर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, कहीं नोट बना के रखिएगा, क्योंकि यही चीजें आपको आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछी जाएंगी. ठीक है, तो फॉर्मेट देर आर मुख थ्री फॉर्मेट्स, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, स्किल डेवलपमेंट, बोथ आर इंडिविजुअलिस्टिक, एंड देन वी लुक एट अ ग्रुप कमिंग टुगेदर विच इज नोन एज कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस.
which henceforth I'll be referring as CBBO. ठीक है? तो अब थोड़ा डिफरेंस समझते हैं कि ग्रुप बेस्ड और स्किल बेस्ड काम में किस तरह का डिफरेंस होता है. तो एक तो फोकस का है, लाइक आई हैव मेंशन्ड बिफोर. द ग्रुप बेस्ड इनिशिएटिव्स फोकस ऑन ग्रुप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट, व्हाइल स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड एम्प्लॉयमेंट. अब एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज डेवलपमेंट में अंतर क्या हुआ? स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि हम उनको ट्रेन करेंगे, उसके बाद हम ये बताएंगे कि आप किस किस जगहों पे काम कर सकते हैं, वहां पे प्लेसमेंट कराएंगे और यह सपोर्ट करेंगे कि वह उस जगह पे कार्यरत रहे, क्योंकि माइग्रेशन का काम होता है. तो अगर वहां पे माइग्रेट करने के बाद उसको और कुछ जरूरत है नहीं है तो उसको देखा जाता है. सो इन स्किल डेवलपमेंट वी विल बी ट्रेनिंग them on a particular job role, ensuring that they receive placement to join any industry, and then we provide them supporting services so that they don't feel aloof while migrating to a new place and then settling to the new conditions. ठीक है? तो ये skill based हुआ काम और इसमें employment पे focus होता है. Enterprise development में से कैसे ये अलग हुआ देखिए, एकदम लेमैन भाषा में समझा रहे हैं. आप किसी को मछली पकड़ना सिखाते हैं, उसके लिए तालाब तय करते हैं और उसको यह भी बोलते हैं कि भाई तुमको इतने दिनों तक इस तालाब में से मछली निकालना है. ठीक है? सो इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज आई डिसाइड दैट यू आर सपोज टू डू फिशिंग, यू आर सपोज टू मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉन्ड फॉर फिशिंग एंड यू आर सपोज टू keep making use of that pond for certain time. ठीक है? Enterprise development का मायना ये नहीं होता है. वहां पे बस हम ये सिखाते हैं कि आप मछली कैसे पकड़ते हैं, एंड देन द रेस्ट इज फॉर द कम्युनिटी टू डिसाइड whether they want to stick to one pond, whether they want to scale it up to another pond, whether they want to restrict them to a location, whether they want to work pan India globally, that's upon them to decide. So all we support them with is to train them in fishing and then support them in initiating that business activity, scaling it further. ठीक है? तो ये चीज क्लियर रखिएगा कि उसको बस हम यही सिखा रहे हैं कि मछली कैसे पकड़ना है और उस मछली के व्यापार को आगे कैसे बढ़ाना है. उसके बाद उसके ऊपर है कि वो कहाँ करेगा, कैसे करेगा, कितना बढ़ाएगा. किसके ऊपर है? कम्युनिटी के ऊपर. वन एग्जांपल इज अमूल. सो अमूल इज अ फार्मर ओन्ड ग्रुप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. इट इज नॉट ओन्ड बाय अ सिंगल मेजर एंटिटी. ठीक है? अब वो कैसे होता है, कैसे सिंगल मेजर एंटिटी, उसमें ओनर नहीं है, वो सब थोड़ा आगे समझते हैं. ठीक है? आई होप द बेसिक कंसेप्ट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू टिल नाउ. चलिए ठीक है. इफ देयर इज नो रिस्पांस देन फ्रॉम नाउ ऑन आई विल कंसीडर दैट इट्स क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. अब देखिए, जो ग्रुप बेस्ड काम होता है इट इज मेजरली सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. अगर एक ग्रुप आके किसी एक बिजनेस को पे काम कर रहा है तो ज्यादातर उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वह उसको सपोर्ट करता है अपनी जो संस्थाएं हैं जैसे नाबार्ड हो गए उनके द्वारा. ठीक है? अब ये वैसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं. सो दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, बट देयर आर ऑल्सो अदर स्कीम विच सपोर्ट्स आर्टिसंस. जैसे हम वो चूड़ियों की फैक्ट्री की बात कर रहे थे ना, तो वो आर्टिसंस है, दैट इज नॉट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. सो देयर इज अ पॉलिसी वेयर artisans, a group of artisans is supported by Ministry of Micro, Small, Medium Enterprise. ठीक है? MSME के द्वारा उनको सपोर्ट किया जाता है और उसमें एक स्कीम है जैसे स्फूर्ति है. ठीक है? अब वो स्कीम क्या है, किस तरह से काम करता है, उस जानकारी में अभी हम नहीं घुसेंगे. ठीक है? ये समझिए
कि कुछ स्कीम जो कृषि से जुड़ी हुई हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करता है, और कुछ ऐसे इनिशिएटिव जहां एक ग्रुप को हम 7 लाख के काम करते हैं, और जो कि कृषि से जुड़ा हुआ नहीं है, जहां हम आर्टिसंस के साथ काम कर रहे हैं उनको एमएसएमई सपोर्ट करता है। काम एक ही तरह का है, उसकी प्रक्रियाएं एक ही तरह की हैं, लेकिन जो फंडिंग है वो एक जगह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से आता है, एंड ऑन द अदर केस इट इज सपोर्टेड बाय एमएसएमई। इसी तरह से स्किल बेस्ड जो स्कीम्स होती हैं, दीज आर सपोर्टेड बाय ईदर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब कुछ उदाहरण के लिए अगर हम स्कीम मांगेंगे तो ITIs, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ITIs, इट्स आल्सो रेफर्ड एज मदर ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हर जगह मिलते हैं। उसी तरह से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, which is also referred as DDU-GKY. Then there is PMKVY, which is Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. ठीक है, तो ये सब उदाहरण है स्कीम्स के जहाँ पे कौशल के ऊपर फोकस होता है, इंडिविजुअल के फोकस होता है, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस होता है। ऑन द अदर हैंड देर आर स्कीम्स वेयर वी ब्रिंग टूगेदर अ कंपनी, फॉर्म अ एंटिटी लाइक कोऑपरेटिव और अ प्रोड्यूसर कंपनी और अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, and then that is supported by Ministry of Rural Development if it is an agricultural intervention, or supported by MSME if it is a group of artisans. ठीक है, अब cooperatives or producer company, these are basically name of a legal entity. What is different in them as compared to private limited companies, how they function, I'll give that understanding in the later phases of this session. ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि सामूहिक स्तर पर काम कैसे होता है, कहां से शुरू होता है। तो इसकी सबसे छोटी इकाई होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि बाद में संगठित कर दी जाए अलग अलग जगहों से, तो उसको मिला के हम कोऑपरेटिव या प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। सो द स्मॉलेस्ट यूनिट in this entire realm of initiating a community based business organization starts with establishing a SHG, and when we accumulate numerous SHGs from different locations, we can federate them into an organization like cooperative or a producer company. theek hai, ab sunne mein phir se ye bahut kathin lag sakta hai, to isko aasan mein samjhana chahunga. alag alag student bodies hain har college ki, केएमसी के अलग होंगे, हंसराज कॉलेज के अलग होंगे, इसी तरह और भी कॉलेजेस हैं, बट दे इवेंचुअली कम टुगेदर एज अ यूनियन व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि भाई एक छोटा सा ग्रुप है, स्टूडेंट बॉडी है जो कि हंसराज कॉलेज में है, एक छोटा सा ग्रुप है जो कि हो सकता है केएमसी में है, लेकिन ये सारे छोटे 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 ग्रुप्स बाद में जाके एक यूनियन में स्थापित हो जाते हैं और एक समूह बन जाते हैं। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ लाइवलीहुड एज वेल। वी स्टार्ट विथ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 10 to 20 मेंबर्स एंड वी रेफर इट एज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करेंगे, ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ये वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे पैसा इकट्ठा करेंगे, दे मीट ऑन अ रेगुलर बेसिस, दे एक्युमुलेट फंड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, दे हेल्प ईच अदर ऑन अ रेगुलर बेसिस, इफ समवन इज इन नीड ऑफ अमाउंट देन दे टेक आउट मनी फ्रॉम दैट कॉमन अकाउंट ऑन अ सब्सिडाइज्ड लोन रेट। सो दैट इज हाउ दे हेल्प ईच अदर। दे ऑल्सो इनिशिएट अ बिजनेस एंड दे रन इट इन अ वेरी स्मॉल स्केल। ठीक है, इस तरह से काम करते हैं। नाउ एट टाइम्स दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन वर्क ऑन अ सोशल इशू, एट टाइम्स दे कैन आल्सो लुक इनटू इकोलॉजिकल इशू, और दे कैन फोकस ऑन अ बिजनेस एक्टिविटी एज वेल। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जब स्टार्ट होती हैं तो हो सकता है कि कोई सामाजिक कार्य ले ले, जैसे कोई कार्य ले ले कि भाई मैं पेंशन की जो समस्या है उसको पे काम करूंगा, कोई ये काम करने लगे, कोई बोले कि भाई मैं मशरूम का काम करूंगा तो वो मशरूम का काम कर सकता है। तो इस तरह से अलग अलग काम कर सकता है, लेकिन जब इनको धीरे धीरे, बात है कि एसएचजी जो है वो गांव में एक जगह होंगे,
अब कई सारे गांव मिलके एक ब्लॉक तैयार होगा, है ना। अब हर एक गांव के जब एसएचजी मिलके एक ब्लॉक के स्तर पे आएंगे तो वो एक फेडरेशन बनेगा, ठीक है। और फेडरेशन एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक मिलके जब सारे डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक एक साथ आ जाएगा तो वो क्लस्टर बन जाता है, और एंड देन वी रीच इनटू हैविंग द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल दैट इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ सक्सेसफुल कोऑपरेटिव और अ प्रोड्यूसर कंपनी, एस्टैब्लिशमेंट लाइक अमूल वेयर वी एक्युमुलेट मिल्क फ्रॉम वेरियस प्रोड्यूसर्स फ्रॉम वेरियस विलेजेस फ्रॉम वेरियस ब्लॉक्स फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स एंड देन थ्रू अ सेंट्रल पॉइंट वी प्रोसेस इट एंड मेक प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट एंड देन सेल इट अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर रखिएगा। सो नेक्स्ट इज अ इमेज ऑफ व्हाट आई जस्ट सेड एंड यू कैन रेफर दैट लेटर व्हेनेवर यू वांट टू बिफोर द इवैल्यूएशन। देयर इज अ सेकंड इमेज दैट डिस्क्राइब्स द सेम थिंग, यू कैन अगेन रेफर दैट लेटर, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट। सो नाउ बिफोर वी get into understanding or reaching to solutions, we first understand the entire concept of cooperatives. So cooperatives क्या होती हैं? इनका principle cooperation पे काम करता है। एक चीज तो ये clear हो गया। So one thing that is clear is that it has to work with groups from different regions, groups from different places. Thus, element of cooperation is extremely crucial for it to work, ठीक है। अब cooperatives का principle क्या होता है और कैसे ये काम करती हैं? देखिए, इसमें भी जैसे आपने सुना होगा कि private limited company, limited company कि कई सारे लोग एक साथ आते हैं, ठीक है। So they share the profits, they share the risk, वो लाभ भी एक दूसरे में बांटते हैं और जो उसके साथ जुड़ी रिस्क है उसको भी एक दूसरे से बांटते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आपको एक बड़े स्तर पर करना है बिजनेस, देन वी मूव अवे फ्रॉम एंटिटीज लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, ठीक है। हमको अगर अपने छोटे से बिजनेस को बहुत बड़ा करना है तो वहां पे फिर हमको दूर हटना होगा सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे एंटिटीज से, लिमिटेड लायबिलिटी प्रोप्राइटरशिप से। वहां पे हमको बहुत सारे शेयर होल्डर्स चाहिए होंगे, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गया। तो शेयर होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी होते हैं, कोऑपरेटिव्स या प्रोड्यूसर कंपनी में भी होते हैं। अब मैं या क्यों बोल रहा हूँ, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ, बिकॉज एसेंशियली दे बोथ ऑपरेट इन अ सेम वे। द ओनली डिफरेंस इज कोऑपरेटिव्स आर रजिस्टर्ड एट अ स्टेट लेवल with the registrar while producer company is registered with Ministry of Corporate Affairs, जो MCA है उसके साथ register करते हैं, चीज एक ही है, ठीक है। So what I was discussing here is that even in case of private limited companies we are going to have shareholders, even in case of cooperatives and producer company we are going to have so many shareholders. So why are we saying that instead of private limited company we should form cooperative or a producer company? हम ये क्यों बोल रहे हैं कि ऐसी जमीनी हकीकत में जैसे सिनारियो आपके केस स्टडीज में है वैसे में आपको private limited company नहीं बनाना चाहिए। When we are talking about including disabled persons in the business, let them be owners. Why are we saying that they should not form private limited company but form a cooperative or a producer company? हम ये क्यों बोल रहे हैं कि इस तरह के संस्थाओं का स्थापन किया जाना चाहिए, जब हम ये बात कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग को हम सामने लाएं, जो वर्ग ऐसा है जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है उसको हम सामने लाएं, तो वहां हम क्यों बोल रहे हैं? तो उसका एक बहुत सारा सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही सरल कंसेप्ट है, आप समझ लीजिए इस बात को। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी में क्या होगा कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ वन पर्सन और अ वन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है। आपने सुना होगा कि भाई मेजर शेयर होल्डर ये है, कहने का मतलब कि मैं एक संस्था या मैं एक इंसान हूं
एक कंपनी 100 करोड़ की है और अगर मेरे पास 60 करोड़ का शेयर है तो मैं मेजर शेयर होल्डर हो सकता हूँ, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज नॉट देयर इन केस ऑफ कोऑपरेटिव एंड इन केस ऑफ प्रोड्यूसर कंपनीज, ठीक है। यहाँ पे वन पर्सन और वन इंस्टीट्यूशन इज ओनली इंटाइटल्ड टू वन शेयर, तो वह 60% का शेयर अकेला इंसान या अकेला इंस्टीट्यूट नहीं रख सकता है, यही नियमावली है। अब इससे क्या होता है वह मैं बता रहा हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों यह जरूरी है व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्लूडिंग पर्संस विद डिसेबिलिटीज और द माइनॉरिटी और द डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। देखिए, जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी, व्हेन वी टॉक अबाउट लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, द वन हु होल्ड्स द मेजॉरिटी ऑफ स्टेक इन द कंपनी होल्ड्स द वीटो पावर इन केस ऑफ डिसीजंस। कंपनी कोई भी डिसीजन लेगी, कुछ भी काम करेगी, तो जो भी मेजर शेयर होल्डर होगा ओनरशिप उसी की होगी कि भैया ये होगा, बाकी का 40% क्या कहता है नहीं करता है उससे नहीं मतलब होगा, ठीक है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट सेटिंग अप सच इंस्टीट्यूशंस इन रूरल एरियाज, देन फॉर जनरेशंस द इन्फ्लुएंशियल पार्ट हैज बीन एरिस्टोक्रेट्स, जमींदार्स या जो पैसा बांटते हैं मनी लेंडर्स, वही है। अगर हम गांव में सभी लोगों को साथ में लाके अगर एक कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करता है तो जाहिर सी बात है कि मेजॉरिटी स्टेक किसका हो जाएगा, इट विल बी अगेन ओन्ड बाय दोज हु हैव बीन इन्फ्लुएंशियल फॉर जनरेशंस, देन इट विल नॉट सर्व द पर्पस एंड दस, और इसीलिए कोऑपरेटिव और प्रोड्यूसर कंपनी का होना जरूरी है जहां वन पर्सन और वन इंस्टीट्यूशन पर वोट, एक ही वोट उसके पास होगा, एक ही शेयर होगा, ये कंसेप्ट है, इसलिए वो जरूरी है। क्लियर है? सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई फॉर्मेशन ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस इज इम्पॉर्टेंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट Looking at how we can deal with the problem, तो pension based जो problem है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, SHG बना सकते हैं जो कि लोगों का जानकारी इकट्ठा करेगी। They will go to places in their villages, make a registry of who all are persons of with disabilities, who all are receiving pensions, who all are not receiving pensions, ठीक है। Similarly, there can be other SHGs who can start work on mushrooms. This can be also replicated in the nearby villages in similar manner. Then they can all be brought under single umbrella of cooperative or producer company. ठीक है? And then they can take the work further. ठीक है? So that is how it's going to work. अब cooperative का प्रिंसिपल जो है आपको लगेगा कि ये गांव में इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है, सिर्फ गांव में इस्तेमाल नहीं होता है और सिर्फ कृषि के क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं होता है। दिस कैन बी आल्सो यूज्ड इन लुकिंग एट प्रमोशन ऑफ सर्विसेज, लुकिंग एट प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स सर्विसेज। जैसे ऐसा मान लीजिए कि आपके कॉलोनी का दुकानदार दूसरे कॉलोनी का दुकानदार, पूरे शहर के अलग अलग कॉलोनी का दुकानदार एक साथ आके कोऑपरेटिव बना लेते हैं। ये सभी दुकानदार एक साथ जाके ग्रोसरी का सामान खरीदते हैं। नाउ दैट बल्क ऑर्डर विल लीड टू डिस्काउंट्स इन द प्राइसेस विच विल फर्दर बी अ बेनिफिट फॉर कंज्यूमर्स एज वेल, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अब्रॉड देखेंगे तो इस कंसेप्ट को अलग अलग जगह अप्लाई किया गया है और इंडिया में इस चीज को ज्यादा अप्लाई एग्रीकल्चर में किया गया है, पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव कैन बी अप्लाइड ऑन लॉट ऑफ इश्यूज, ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। सिमिलरली जितने भी लोग इस सेशन में फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, सो हूएवर इज इंटरेस्टेड
in following football in this particular session, in this particular group, they must remain aware that each and every club that you are a fan of is a cooperative institution. आपको यह बात जानना चाहिए और शायद हैरानी भी हो कि आप जो भी क्लब फॉलो करते हैं वह सभी कोऑपरेटिव संस्था ही है. सो इन अ वे द कम्युनिटी ओन्स द बिजनेस, द कम्युनिटी लुक्स एट डेवलपिंग द बिजनेस एंड देन यूटिलाइजेस द सरप्लस इन बेनिफिट ऑफ प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स. शर्ट्स बनाया, डिओड्रेंट्स बनाया, एक्सेसरीज बनाया, उससे जो पैसा आया, उसका जो सरप्लस आया, उसको कम्युनिटी के बाकी बच्चों को स्पोर्ट्स में लाने के लिए किया, स्टेडियम के अपकीप के लिए किया, है ना. सो सिमिलरली सरप्लस इज नथिंग बट प्रॉफिट्स. सो सिमिलरली इवन इन केस ऑफ विलेज और इन केस ऑफ पैन इंडिया, अ कोऑपरेटिव कैन कंप्लीटली फोकस ऑन अ बिजनेस एक्टिविटी, derive profits out of it, derive surplus out of it, and then reutilize that surplus into looking into social causes. अब इससे क्या होगा, आप देखिए कि अलग अलग जगहों से आपके पास information आने लगेगा कि भाई इस गांव में इतने लोगों के पास pension नहीं है, उस गांव में इतने pension नहीं है, इस block में इतना pension नहीं है, इस district में इतना pension नहीं है. और उसी के साथ साथ एक हिस्सा रहेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ उस ग्रुप के बिजनेस को प्रमोट करते जाएगा. अब जब बिजनेस से जो पैसा आएगा तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं पेंशन के लिए. आप किसी भी पेंशन जो भी डिलीवर कर रहा है उस संस्था के पास जाके बोल सकते हैं ना कि भाई इतने लोग हैं. बट इफ यू डू दैट ऑन अ इंडिविजुअल बेसिस द रिस्पॉन्स इज नॉट गोइंग टू बी ग्रेट. So that is how we can develop a group into a cluster and then look into establishment of a business activity as well as look at using the surplus out of that business activity into dealing with the social causes. So post this session, I'll be sharing this particular presentation with all of you, so that you can look at various links that I have shared in the presentation. And then you can have a basic understanding of how this thing can work. Theek hai? Now, let's look into the constraints when we talk about such policies. So, self-help groups, jo hota hai na, ye informal group hai. So, informal group ka kya matlab hua? Ki iski koi niyamavali nahi hai, jis कि भाई ऐसा होना ही चाहिए. सो देयर इज नो नॉर्म दैट रिजर्व्स द इंक्लूजन ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप. उसके अलावा ये इनफॉर्मल ग्रुप है इसलिए अगर उसमें से कोई भी एक एक्टिव है या समवन हु इज मोर एडुकेटेड देन अदर्स देन ही वुड बी द वन हु वुड बी लीडिंग द ग्रुप एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. But at times, that person may not include the opinion of everyone involved. ठीक है? तो group dynamics की जो बात है कि एक ने कदम आगे बढ़ाया, बाकी पीछे पीछे आ गए. ऐसे स्थिति में कई एक बार ऐसा होता है कि उस इंसान ने सभी के पक्ष को साथ में नहीं लिया. ठीक है? दूसरी बात, कोई नियमावली नहीं है जो कि यह तय करती है कि हर हालात में, हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो विकलांग लोग हैं उनको जुड़ना जरूरी है. तो ऐसी स्थिति में बहुत ही कम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कि विकलांग को लेके सामने आते हैं या विकलांगों के हित में काम करते हैं. सो देयर आर माइनॉरिटी ऑफ सच ग्रुप्स व्हिच लुक इनटू सच मैटर्स एंड इश्यूज. अब क्लस्टर बेस्ड जो धीरे धीरे बात हुई कि जब ग्रुप बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा ग्रुप एक साथ आ जाए और प्रोड्यूसर कंपनी बनाए या कोऑपरेटिव बनाए, तो इसमें भी देखा जाए तो देयर इज अगेन लैक ऑफ इंक्लूसिव नॉर्म्स. ठीक है? आप किसी भी
रूरल डेवलपमेंट के नाबार्ड के डॉक्यूमेंट को देखिए कि किस तरह से एक कोऑपरेटिव फॉर्म होगा, या आप एमएसएमई में जो आर्टिसंस को सपोर्ट करते हैं स्फूर्ति, उसके डॉक्यूमेंट को देखिए। द डॉक्यूमेंट डज नॉट स्पेसिफाई इंक्लूजन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इट ओनली डील्स विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ग्रुप एंड अ बिजनेस एंटिटी, सो देर इज लैक ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एट ईच एंड एवरी लेवल फॉर सच इनिशिएटिव्स। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का कि हर स्तर पर किस तरह से काम होगा, हर स्तर पर किस तरह की जरूरतें हैं जिनको पूरा करना ही करना है, ऐसे नियमावली, ऐसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की नियमावली नहीं है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इनिशिएटिव ऑफ एमएसएमई, दिस सपोर्ट फॉर द ग्रुप इन फॉर्मिंग अ इंडस्ट्री एज वेल, इन फॉर्मिंग अ इंडस्ट्रियल सेटअप एज वेल। जैसे अगर वो चूड़ी का फैक्ट्री बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसा दिया जाएगा, यह भी मॉनिटर किया जाएगा कि आपने बिल्डिंग खड़ा किया, उसमें ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बनाया, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया, उसमें सही मशीन्स लाएं, उसमें सही तरीके से सभी मशीन्स को रखा, ये सब सब चीज़ है। बट व्हेन वी लुक इनटू द नुआंसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्ड इंटरवेंशन, जब इसको टेक्निकल भाषा में हार्ड इंटरवेंशन बोलते हैं, जो बिल्डिंग बनाने की जो स्कीम है जिसको सपोर्ट किया जाता है फैक्ट्री बनाने के लिए, देन इट डज नॉट स्पेसिफाई द इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट दैट इज एक्सेसिबल फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, सुगम जो एक वातावरण होना चाहिए फैक्ट्री का, जहां पे जो विकलांग लोग हैं वहां पे भी अलग अलग तरह के काम कर पाए, ये कर पाए, उसके बारे में चर्चा नहीं है। ठीक है, नाउ देयर इज अ थर्ड कंस्ट्रेंट, देयर कैन बी एन एग्जांपल वेयर न्यूमरस पर्संस विद डिसेबिलिटीज कम टुगेदर एज ग्रुप फ्रॉम डिफरेंट रीजंस फॉर अ बिजनेस एक्टिविटी, but that may fail if the group dynamics do not work and if the individual differences or differences based on identities take over the common objective of goals related to business। kehne ka matlab hai alag alag star se log aaye, alag alag jagahon se log aaye, alag alag sthan se log aake jo bhi viklang log hain woh ek bada producer company organization banaye, लेकिन अगर वहां पे भी निशानियों को लेके, है ना, कि भाई हम फलाना धर्म, हम फलाना जात और ये सब बातें सामने आने लग जाए, हम ये हम वो, उसके बाद ये काम नहीं करेगा। और इफ द ग्रुप इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयरर्स, एक कंपनी गठन हुआ तो उसका अलग अलग होगा ना भाई, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कौन देखेगा, उसके बाद फिर सेल्स डिपार्टमेंट कौन देखेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन देखेगा, तो वो देखने वाले लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वह ठीक से तय नहीं हुआ है, वह इस हिसाब से तय हो गया है कि भाई मेरा ओहदा ऊंचा, हम सबसे तेज ग्रुप में, इसलिए हम उस काम को करेंगे, तो ऐसे में बिजनेस फेल कर जाएगा। Because business does not work on emotions, business does not work on identities. The sole purpose of business is to make profits. The sole purpose of business is to accumulate surplus. And to do that, it's important that everyone holding responsibility holds it responsibly. अगर आप ये बोलेंगे कि भैया मेरा होता ऊंचा है इसलिए मैं मार्केटिंग देखूंगा, विदाउट हैविंग एनी प्रायर एक्सपीरियंस, विदाउट हैविंग एनी ओरिएंटेशन, विदाउट हैविंग एनी फोरसाइट ऑन व्हाट हैज टू बी डन, देन इट्स डूम टू फेल। आप अपने ओहदे को लेकर अगर वहां जाएंगे और अपनी पहचान को लेकर उस काम को पकड़ लेंगे जो आपको नहीं आता है, या उसके
बारे में आपको समझ नहीं है कि आगे काम कैसे करना है, तब खाली आप तो फेल नहीं करेंगे, आपका पूरा ग्रुप फेल करेगा, एक पूरा संगठन फेल करेगा. एंड दैट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल विच आई हैव अगेन रेफरेंस इन द प्रेजेंटेशन एंड यू कैन लुक एट दैट व्हेन आई शेयर दिस प्रेजेंटेशन पोस्ट दिस सेशन. ठीक है, अब आ जाते हैं स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स का. सो लेट्स लुक एट स्किल डेवलपमेंट स्कीम. जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं, इसमें काम किस तरह से होता है पहले इसको समझ लेते हैं. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. सो देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सेक्टर स्किल काउंसिल विच वर्क्स विथ एनसीवीटी, नेशनल सेंटर फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अब क्या है, किस तरह से काम करती है, उसके डिटेल में हम नहीं जानेंगे. प्राइमरी इन दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि ये पहले तो आइडेंटिफाई करें ऐसे सेक्टर्स को. सो देयर प्राइमरी रोल इज टू आइडेंटिफाई दोज सेक्टर्स जहां पे काम है, काम की जरूरत है, लोगों की जरूरत है. इट नीड्स टू आइडेंटिफाई सेक्टर्स, इट नीड्स टू आइडेंटिफाई इंडस्ट्रीज विच आर इन डायर नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज विच एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. ठीक है, ये आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे मैं बोल रहा था आपको, पहले एग्जाम्पल दे रहा था कि आप कार सर्विसिंग का एक सेटअप पे जाते हैं. नाउ दैट इज अ सेक्टर विच कम्स अंडर ऑटोमोबाइल सेक्टर. सो ऑटोमोबाइल सेक्टर इज अ सेक्टर विच प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. ठीक है, सो दैट इज हाउ दे फर्स्ट लुक इन टू ऑल द सेक्टर्स विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑन अ मास स्केल. एंड देन फॉर ईच एंड एवरी सेक्टर they identify the job roles where we require human resources. ठीक है, तो वो job roles identify करते हैं कि हर एक स्तर पर, एक किसी भी क्षेत्र में कहां कहां लोगों की जरूरत है. ठीक है, now once that has been identified they look into designing the guidelines of training. They look into creating standard operating procedures for the institutions which will be implementing such trainings. जो कौशल विकास की ट्रेनिंग करेंगे उनको वो बताते हैं कि भाई ये ट्रेनिंग कैसी होगी, आप जहां ट्रेनिंग करवाएंगे वो जगह कैसी होगी, ये ट्रेनिंग किस तरह से कराई जाएगी, क्या क्या चीजों के साथ कराई जाएगी. तो इसका पूरा एक डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप किया जाता है. सो दीज इंस्टीट्यूशंस आल्सो डेवलप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड ईच एंड एवरी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हैज टू मैंडेटरीली फॉलो दैट. जो भी उस कौशल विकास के परियोजना पर काम कर रहा है उसको वह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर स्तर पर मानना ही मानना है. नाउ द प्रॉब्लम विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इज it is clearly mentioned standard operating procedure mein pure spasht tarike se yah baat likha hua hai, it is not mandatory for a implementing agency to train persons with disability. yah baat aap dhyan rakhe ki pehla to standard operating procedure mein yah likha hua hai ki yah zaruri nahi hai ki centers persons with disability को ट्रेनिंग दे ही. ठीक है, secondly when it comes to identification of job roles, although we have been promoting skill development and there have been schemes which has been delivering promises that by 2022 we would be able to look at various job roles that are much suitable for persons with disability, but the truth is till date the institutions have been able to identify around 2000 job roles, and out of that not even 1/10 of job roles have been identified for persons with disability against what was promised. ठीक है, तो दिक्कत एक और है कि सेंटर जाने के बाद तो बाधाएं हैं ही कि सेंटर
को मैंडेट नहीं है कि वो डिसेबल पर्सन को ट्रेन करे, तो उसके लिए यह भी मैंडेट नहीं है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक्सेसिबल हो, सुगम हो, ठीक है। वहां जाने से पहले दिक्कत सबसे पहले यह है कि अभी तक 2000 जॉब रोल्स हैं, 2000 से कहीं ज्यादा जॉब रोल्स हैं जिनके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है आम इंसान को, लेकिन उसका एक 1/10 हिस्सा भी अगर आप मान के चले, एक 10वां हिस्सा भी मान के चले, तो उतना भी जॉब रोल्स नहीं है जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए आज तक आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये इशू है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस मॉडल्स ऑफ वर्क, हाउ दीज वर्क, व्हाट आर द वेरियस कंस्ट्रेंट्स इन ईच एंड एवरी मॉडल, एंड व्हाट इट टेक्स फॉर ईच ऑफ द मॉडल टू वर्क इन एफिशिएंट मैनर एंड इफेक्टिवली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा इस सत्र में कि ये पूरा जो आजीविका का संदर्भ है वहाँ अलग अलग योजनाएं किस तरह से काम करती हैं, हर एक योजनाओं में क्या बाधाएं हैं जो विकलांग जनों के लिए है, और उस पर क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है, उसके बारे में भी आपको जानकारी पहुंची होगी। सो इफ देयर आर एनी फर्दर क्वेरीज इन द सेशन, लेट्स टेक इट अप। कोई आपके सुझाव हैं या कोई आपको सवाल पूछना है तो अब आप रखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सभी का जवाब दे पाऊं। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। अगर कोई ऐसा प्रश्न हो या ऐसा कोई मुद्दा हो जिसके बारे में मैं सक्षम नहीं होऊंगा, तो उसके बारे में मैं जानकारी जरूर इकट्ठा करके सत्र के बाद दूंगा। इफ देयर इज अ क्वेश्चन और इफ देयर इज अ डाउट which I can't deal at this stage and I am not incapable or I am not capable enough to answer that particular question, then I'll certainly look into those answers and share it across with you guys post this session. So I'll request all of you to put forth any questions or put forth your feedback for the session. Jo bhi aap bolna chahe, jo bhi mere saath saajha karna chahe, wo kare. Agar kuch nahi hai, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपकी दिनचर्या काफी कठिन है, ऐसे में पूरे तरीके से ध्यान रखना, हर चीज के ऊपर सवाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर न्यूमरस एंगेजमेंट्स एज स्टूडेंट्स फॉर ऑल ऑफ यू। सो इवन इफ यू डोंट पुट फोर्थ एनी क्वेश्चंस और सजेशंस एट दिस स्टेज, दैट्स कंप्लीटली फाइन। इफ यू वांट टू कनेक्ट लेटर, यू कैन रिजॉर्ट टू दैट एज वेल। So I think सभी थक चुके हैं सेशन से। I think it was quite elaborate for everyone to feel tired. That's completely all right. Anyways, I'll be sharing the presentation, the feedback form with all of you, and we look forward for further engagement and for you to understand the entire realm of disability and take steps at a very individual level to start with. To add further in this entire movement, हम सभी अपने छोटे छोटे तरीके से इस जो मुहिम है इसको आगे कहीं ना कहीं ले जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे सत्र और मेरे साथ साथ बाकी सत्र के द्वारा आपको जो मिली जानकारी है उसको आप इस्तेमाल करेंगे अपने दिनचर्या में और छोटे छोटे कदमों से एक समावेशी समाज की स्थापना आप सभी करेंगे। शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू एवरीवन। Keep following us, keep participating in our events. Thank you, everyone. Thank you so much, sir. Thank you so much for this session, sir. Most welcome.
I would like to comment कि your teaching way is you can say कि एक जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वो उस एक बच्चे को भी लेके चलने वाला है. मतलब it was very very much you can say कि familiar to each and every student sir. मैं आभारी हूँ आपके इस बात का, शुक्रिया. So I'll log out from this session. Thank you. Thank I you, hope sir. You have Thank a great you so evening. Much. Thank you so much, Sumit sir, for your time. And I'm glad that everyone has enjoyed the session. Thank you all for participating in today's lecture. More details for upcoming lectures and periodic tests will be shared soon. Thank you. Also, one small announcement for you all. Soon we will be rolling out one Google form, which will be for your assignments. So I will be sharing a Google form, and you have to fill in your name and other details along with the topic that you will be choosing for your assignment. So a detailed instruction will be given there. But just to brief you all, you all have to submit an assignment on 22nd April, which is a component number one of your final exams. The assignment will be of 5 to 7 pages. So that would be approximately 3000 to 3500 words. So yes, and you can choose any topic which are relevant to the lectures that have happened during the certificate course, or you can choose any other topic of your choice, but it should be in relation with the disability laws or specifically the RPWD Act. So whatever you guys can decide on your topics, and by tomorrow evening, I will be rolling out the Google Forms. You have to fill in that. And by 30th is the last date to register for the assignment, and you have to share your topics with me by 30th of March. And after that, you will have the time till 22nd April. 22nd April, you have to submit your assignments with us. So detailed information will be given in the mail. But please do start thinking on your topics and submit the forms by 30th of March. Thank you. Thank Sorry you, sir. To interrupt, Thank you so much. But I would like to ask a question, sir. Yes. Sir, what kind of assignment is it? Is it an essay writing or paper writing? I mean, can so you give it? It is a short article writing. It's a short article, and you can research. You will have to basically do a disk research to write anything. You can take up a topic of your choice, so anything, but it has to be short article. Is that clear? Okay. Does it have to include references and the citations? Yes. References, citations, whatever has been taught to you, it will be, it has to include all of that. It has to, we will share the marking criteria too with you while we are rolling out the Google Forms. Okay. Thank you. Any other questions regarding this? I'll take it as no. So thank you. We are hereby concluding today's session. Thank you.